क्या स्टार मेकर के सॉन्ग को यूट्यूब पर अपलोड किया जा सकता है? स्टार मेकर के सॉन्ग को यूट्यूब पर अपलोड करने से चैनल मोनेटाइज होगा या नहीं होगा? हम पैसे कमा सकते हैं या नहीं कमा सकते हैं? स्टार मेकर के सॉन्ग को यूट्यूब पर अपलोड करने से कॉपीराइट क्लेम या कॉपीराइट स्ट्राइक आएगा या नहीं आएगा? स्टार मेकर के सॉन्ग को यूट्यूब पर अपलोड करने का सबसे अच्छा तरीका क्या होता है? स्टार मेकर के ऑडियो सॉन्ग को यूट्यूब पर अपलोड कैसे किया जा सकता है? ऐसे बहुत सारे क्वेश्चन आपके दिमाग में आते हैं जब आप स्टार मेकर के सॉन्ग को यूट्यूब पर अपलोड करते हैं। तो दोस्तों, मैं हूँ राजन और स्वागत है आपका हमारे चैनल आरजे राजन में। आज के वीडियो में हम आपके ऐसे सारे क्वेश्चन के जवाब देंगे एक एक करके। बस आपसे एक रिक्वेस्ट है, वीडियो को अंत तक ज़रूर देखिएगा, क्योंकि ये वीडियो थोड़ा सा लंबा होगा लेकिन आपके लिए बिल्कुल फ़ायदेमंद होगा। तो चलिए शुरू करते हैं वीडियो। दोस्तों, पहला क्वेश्चन आपका है कि स्टार मेकर के सॉन्ग को यूट्यूब पर अपलोड किया जा सकता है? बिल्कुल आप कर सकते हैं। ऐसा फंक्शन स्टार मेकर भी देता है और यूट्यूब भी इसको अलाउ करता है। आप जैसे ही कोई सॉन्ग प्ले करते हैं तो उसमें देखेंगे शेयर का ऑप्शन, और शेयर के बाद आपको वहां से फेसबुक, इंस्टाग्राम, यूट्यूब, बहुत सारे सोशल मीडिया दिखाते हैं, तो आप आसानी से वहां से शेयर कर सकते हैं। इसके लिए आप बेफिक्र वहां से शेयर करिए, ठीक है? ये डाउट आपका क्लियर हो गया। अब दूसरा क्वेश्चन है आपका कि स्टार मेकर के सॉन्ग को यूट्यूब पर अपलोड करने से चैनल मोनेटाइज होगा या नहीं होगा, कॉपीराइट स्ट्राइक आएगा कि नहीं आएगा, या कॉपीराइट क्लेम। तो इसको थोड़ा ध्यान से समझिए, ठीक है? स्टार मेकर के सॉन्ग को आप यूट्यूब पर अपलोड कर सकते हैं, लेकिन आप देखते होंगे सॉन्ग के ऑप्शन में जो शेयर का ऑप्शन आता है वहां से मत करिए। क्यों नहीं करिए, इसका मैं कारण बताता हूं। यूट्यूब के जो एल्गोरिदम है बहुत हार्ड होता है। जैसे ही आप स्टार मेकर से उस पर अपलोड करेंगे तो उसका जो मशीन होता है उसको कोडिंग कर लेता है और उसे पता चल जाता है ये जो है किस सोर्स से आया है, मतलब स्टार मेकर से आया है, या फेसबुक से आप डायरेक्ट डाउनलोड करते हैं और उस पर डाल देते हैं तो फिर भी वो पकड़ लेता है अपने कोडिंग से ये फेसबुक से वीडियो आया है। मतलब वो जो मशीन है वो समझ जाता है ये आपका पर्सनल वीडियो नहीं है, चाहे उसमें आपका पर्सनल आपका फेस ही क्यों ना हो, लेकिन वो ऐसा समझता है ये एक्सटर्नल जो सोशल मीडिया है वहाँ से आया है। तो ऐसे कंटेंट को वो रीयूज कंटेंट मान लेता है, ठीक है? ऐसे चैनल को, ऐसे वीडियो को मोनेटाइज नहीं होने देता है, ठीक है? जैसे आप मोनेटाइज करेंगे तो आपको रीयूज कंटेंट करके आपके मोनेटाइजेशन को कैंसिल कर देगा। दूसरा ऑप्शन देख समझिए कि स्ट्राइक या कॉपीराइट क्लेम आएगा कि नहीं। तो दोस्तों, मैं बता दूं, जैसे ही आप कोई म्यूजिक यूज़ करते हैं, आप तो सॉन्ग बोलेंगे हम अपना गाते हैं, लेकिन म्यूजिक जो होता है आपका अपना नहीं होता है। म्यूजिक बहुत सारे लोगों मिलकर बनाते हैं, जैसे कि म्यूजिशियन, म्यूजिक राइटर, फिर सिंगर, इस सबको मिलने के बाद म्यूजिशियन उसको खरीद लेते हैं, उसके कॉपीराइट उसके पास आ जाता है, मतलब उसका अधिकार उस म्यूजिशियन के पास है। तो ऐसे सॉन्ग को आप कमर्शियल यूज़ करेंगे यूट्यूब पर, तो आप कमर्शियल यूज़ करते हैं तो वो आपको कॉपीराइट देगा, कॉपीराइट क्लेम देगा, स्ट्राइक नहीं देगा, क्योंकि आप इसका कोई गलत यूज़ नहीं कर रहे हैं। ऐसा म्यूजिक कंपनी अलाउ करता है जो आप उसके म्यूजिक को यूज़ करिए अपने कॉमर्शियल यूज में, और इसका जो रेवेन्यू शेयर होता है उसका कुछ परसेंट, 55% लगभग वो खुद ले लेगा और आपको 45 देगा। मतलब आप 100 रुपये कमाते हैं उस वीडियो से तो 55 रुपये, 60 रुपये लगभग वो ले लेगा और 40 रुपये आपको आएगा। लेकिन हर वीडियो में नहीं होता है, हर वीडियो, हर म्यूजिक कंपनी का अलग अलग पॉलिसी होता है। तो ऐसे आप देखते होंगे बहुत सारे यहाँ पे क्रिएटर जो होते हैं बॉलीवुड म्यूजिक को यूज़ करते हैं और उस पर डांस वीडियो बनाते हैं, गाना भी गाते हैं, कवर सॉन्ग भी बनाते हैं। फॉर एग्जांपल मैं आपको दिखा देता हूँ एक दो, जैसे कि आदर्श आनंद को देखिए, बहुत ज़्यादा फेमस है, बहुत पैसे भी कमा रहे हैं, लेकिन आप देखते होंगे उसका अपना म्यूजिक नहीं रहता है, सिर्फ वो अपना क्रिएटिविटी करते हैं, डांस करते हैं। तो ऐसे आप भी कर सकते हैं, कॉपीराइट स्ट्राइक इस पर बिल्कुल नहीं आएगा, इसका लीगल वे में इस तरह से यूज़ करेंगे गाएंगे तो, ठीक है? इसके लिए आप, लेकिन कॉपीराइट क्लेम आएगा,
ठीक है, अब समझ गए होंगे आप। अब जो क्वेश्चन है आपका दोस्तों, इसका जो सही तरीका क्या होता है, इसी में आप समझ जाएंगे जो ऑडियो सॉन्ग और वीडियो सॉन्ग कैसे डाला जाएगा और आपका कंटेंट रीयूज कंटेंट नहीं होगा। तो पहला तरीका मैं बता देता हूं दोस्तों, यहां से आप वीडियो सॉन्ग करते हैं तो उसको एडिट करिए। कहां पे एडिट करना है, आप पहले इसको डाउनलोड कर लीजिए। पहले जो आप करते हैं, रेशियो जो है 9:16 होता है, लेकिन वहां पे 16:9 मांगता है, ठीक है। तो 9:16 में मत करिए, 1:1 में कर दीजिए, स्क्वायर फॉर्म में वीडियो सॉन्ग, वो सही रहेगा। उसको डाउनलोड करने के बाद आप काइंड मास्टर ऐप पर थोड़ा सा एडिट कर लीजिए, थोड़ा सा उसमें नाम वगैरह डाल दीजिएगा, तो क्या होगा, इसका कंटेंट का आईडी जो है बदल जाएगा, ठीक है। तो ऐसा करिएगा। दूसरा तरीका मैं बताता हूँ, आप ऑडियो सॉन्ग यहाँ से डाउनलोड कर लीजिए, मतलब ऑडियो मोड में गाइए और अलग से वीडियो बनाइए, मतलब अपना सॉन्ग कहीं चलाइए उस पर वीडियो एक्सप्रेशन दीजिए, जैसे कि लोग यहाँ पे करते हैं, डांस करते हैं, वैसे ही आप लिप मैच करिए, पीछे से आपका सॉन्ग बज रहा है, लिप मैच करिए, वीडियो रिकॉर्ड कर लीजिए, उसको एडिट करके देंगे तो ये बहुत अच्छा, और YouTube भी इसे बहुत अच्छा मानता है, इसके क्रिएटिविटी को, ठीक है। तीसरा क्वेश्चन जो है, ऑडियो सॉन्ग को कैसे करेंगे, तो ऑडियो सॉन्ग को सेम ऐसे ही कर सकते हैं, ऑडियो में आप पिक्चर थोड़ा सा एडिट कर सकते हैं। आपको कंफ्यूज हो रहा है, चलिए मैं आपको एक एग्जांपल देके बताता हूँ सबसे अच्छा तरीका कैसे कैसे क्या करेंगे। तो चलिए आगे के वीडियो में हम आपको बताते हैं कैसे डाउनलोड करना है, कैसे अपलोड करना है, इसका प्रैक्टिकली आपको दिखा देता हूँ। तो दोस्तों, इसके लिए सबसे पहले आपको अपने प्रोफाइल में आ जाना है और जिस सॉन्ग को, ऑडियो या वीडियो सॉन्ग को आप अपलोड करना चाहते हैं यूट्यूब पे, वहाँ पे आपको जस्ट ऐसे क्लिक करना है। वीडियो का रेशियो दोस्तों ऐसा बनाइएगा आप तो अच्छा रहेगा, वहाँ पे आप लोग जो होते हैं, आपके व्यूअर्स ज़्यादा क्लिक करेंगे और देखना पसंद करते हैं। अब यहाँ पे क्या करना है, नीचे में देख रहे हैं शेयर का ऑप्शन, यहाँ पे आपको क्लिक करना है। अब ऊपर में देख रहे हैं यूट्यूब का, यहाँ पे बिल्कुल अपलोड नहीं करना है, यहाँ से शेयर नहीं करना है आपको, यही गलत तरीका है जो मैंने आपको मना किया था। सिंपली नीचे में आप कॉपी लिंक देख रहे हैं, यहाँ पे क्लिक कर देना है। अब आपको आ जाना है प्ले स्टोर पे, प्ले स्टोर पे आपको एक एप्लीकेशन डाउनलोड करना है जिसका नाम है सॉन्ग डाउनलोडर फॉर स्टार मेकर, कुछ इस तरह से आपको लोगो दिखेगा, ये डाउनलोड करने के बाद ओपन कर लेना है। तो दोस्तों यहाँ पर देखेंगे इस तरह से ऑटोमेटिक ये आपका जो लिंक है यहाँ पे कॉपी हो जाएगा, वहाँ से पेस्ट हो जाएगा, आपको डाउनलोड पे क्लिक कर देना है। तो दोस्तों यहाँ ऊपर में देख रहे हैं डाउनलोड वीडियो, यहाँ पे क्लिक करेंगे तो आपको दोनों फॉर्मेट में यहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं, वीडियो सॉन्ग को आप वीडियो और MP3 दोनों में डाउनलोड कर सकते हैं, और MP3 का सिर्फ MP3 में ही होगा। तो चलिए हम वीडियो पे करते हैं और यहाँ पे सिंपली आपको डाउनलोड पे क्लिक कर देना है। तो दोस्तों मैंने वो सॉन्ग डाउनलोड कर लिया है, अब आपको एक और एप्लीकेशन डाउनलोड करना है एडिट करने के लिए जिसका नाम है काइंड मास्टर, ये आपको प्ले स्टोर से मिल जाएगा। डाउनलोड करने के बाद जैसे ही दोस्तों आप काइंड मास्टर ओपन करेंगे तो कुछ इस तरह का इंटरफेस खुल जाएगा, यहाँ पे आपको सिंपली क्रिएट न्यू पे क्लिक कर देना है। आपका रेशियो जो रहेगा 4:3 करना है, क्योंकि आप 16:9 में तो रेशियो वहाँ अलाउ ही नहीं है, आपका बना ही नहीं है, तो ये रखिएगा तो बेस्ट रहेगा 4:3। अब ऊपर में नेक्स्ट पे क्लिक कर देना है। तो यहाँ से आपको वही फाइल सेलेक्ट करना है जो दोस्तों आपने बनाया है, तो यहाँ पे स्टार मेकर डाउनलोडर मैंने ये किया था। अब इसको सिंपली अपर में क्रॉस का बटन देख रहे हैं, यहाँ पे क्लिक कर देना है, और यहाँ पे इस तरह से आप नीचे वाले देख रहे हैं लेयर, इसको क्लिक करके आगे पीछे कर सकते हैं। अब दोस्तों इसको थोड़ा सा एडजस्ट कर लेते हैं, हम फ्रेम में सेट कर लेते हैं। तो जस्ट आपको जो यहाँ पे नीचे में दिख रहा है यहाँ पे आपको क्लिक करना है और बीच वाले ऑप्शन में जाना है और इसको थोड़ा सा बड़ा कर लेना है जिससे आपका स्टार मेकर का लोगो है वो हट जाए, क्योंकि स्टार मेकर का लोगो जो दिखेगा तो वहाँ पे कंटेंट आईडी रीड कर लेता है। यहाँ पे देख रहे हैं आईडी भी आपका दिख रहा है, यहाँ पे आप अपना लोगो लगा दीजिएगा। अभी क्या करना है, ये इक्वल का ऑप्शन दिख रहा है, इस पर क्लिक कर देना है, ओके कर देना है। ठीक है, इतना समझ में आ गया। अब दोस्तों इसमें आप कुछ नए नए इफेक्ट दे सकते हैं, टेक्स्ट जोड़ सकते हैं। टेक्स्ट कहाँ पे जोड़ेंगे,
ये लेयर पे क्लिक करना है, यहाँ पे टेक्स्ट देख रहे हैं, यहाँ पे कुछ हम लिख देंगे जैसे कि आरजे राजन, इसको बड़ा छोटा कर सकते हैं कहीं भी, जैसे यहाँ पे हमको एडजस्ट करना है, यहाँ लिखना है, इसके कलर को भी चेंज कर सकते हैं आप, यहाँ से जो भी कलर लेना है इस तरह से आप अच्छे अच्छे कलर लिख सकते हैं, ठीक है। और इस कलर को भी बहुत सारे लाइन भी दे सकते हैं, देखिए इस तरह से, तो कुछ इस तरह से दे सकते हैं आप, अपने हिसाब से सजा लीजिएगा इसको। फॉन्ट भी आप चेंज कर सकते हैं, नए नए स्टाइल, यहाँ से देखिए, यहाँ क्लिक करेंगे तो इसका फुल ट्यूटोरियल मैंने दे दिया है, देखिए ये कितना अच्छा लग रहा है। तो दोस्तों इस तरह से आप एडजस्ट कर लीजिएगा, इसका फुल ट्यूटोरियल मैं आगे के वीडियो में बनाऊंगा तो बता दूंगा काइनमास्टर कैसे यूज़ किया जाएगा। सिंपली आपको अभी ऐसे थोड़ा बहुत कर लेना है एडिट, ज़्यादा नहीं करना है अभी। अब दूसरा क्वेश्चन ये भी था, ऑडियो सॉन्ग को कैसे बनाया जाएगा। तो दोस्तों इसी तरह से यहाँ पे आप जैसे ही करेंगे तो मीडिया आपको सिलेक्ट करना है, एक काइनमास्टर जैसे ओपन करेंगे तो, और एक कोई पिक्चर जो आपका फिल्म से रिलेटेड है, वीडियो से, वो सेलेक्ट कर लेना है। फॉर एग्जांपल मैंने ये पिक्चर सेलेक्ट कर लिया, क्रॉस पे जाइए। अब इस तरह से पिक्चर दो चार आपको ऐसे मीडिया में क्लिक क्लिक करके ले लेना है, जितना वीडियो का ड्यूरेशन है उतना। इसको आप बढ़ा भी सकते हैं पिक्चर को ड्यूरेशन, देखिए यहाँ से स्क्रॉल करके, ठीक है, ये बड़ा हो जाएगा। अब यहाँ पे ऑडियो देख रहे हैं, यहाँ पे जस्ट क्लिक करना है और एल्बम में जाना है, और यहाँ पे आपको जिस फाइल में वो सेव हुआ है वहाँ से आपको ले लेना है, ठीक है। जैसे कि ऑडियो फाइल में जाएंगे तो यहाँ पे देखिए, ये चलिए करियोके हम ले लेते हैं, इस पर प्लस पे क्लिक करना है आपको और ये नीचे में आ जाएगा। चलिए देखिए नीचे में ब्लू में आ गया है आपका ये ऑडियो सॉन्ग। तो ऑडियो और पिक्चर को ऐड करने के बाद ये आपका वीडियो फॉर्मेट में आ जाएगा और यूट्यूब पर आप अपलोड कर सकते हैं। तो दोस्तों इस तरह से आप कुछ एडिट करके कर लिया हमने। अब क्या करना है आपको, सिंपली ये ऊपर में देख रहा है आइकन, यहाँ पे क्लिक करना है यहाँ पे। अब ये जो रेशियो देख रहे हैं यहाँ पे, रेजुलेशन आपको हाई रखना है, आपके वीडियो को हो सकता है 1080p में सपोर्ट करता हो तो उसको कर देना है। ये फ्रेम रेट को आपको 30 है तो 30 रहने दीजिए, या 60 आ रहा है तो 60 कर लेना है। बिट रेट जो है आपका 5 कर लेना है, 5 से ज़्यादा रखना है लेकिन कम नहीं, तो 5-6 रख लीजिए। और नीचे में आपको सिंपली सेव का ऑप्शन दिख रहा है, यहाँ पे क्लिक कर देना है। तो इस तरह से दोस्तों आपका जो सॉन्ग है आपके गैलरी में एडिट होके ऑटोमेटिक आ जाएगा, ठीक है। इसे मैंने पहले से कर लिया है, अब मैं यूट्यूब पे चलता हूँ। तो दोस्तों यहाँ पे आपको यूट्यूब ऐप ओपन कर लेना है, ठीक है। अब प्लस वाले आइकन पे क्लिक करना है, अपलोड वीडियो पे क्लिक कर देना है। अभी देखिए सिंपली आपका ये वाला वीडियो था एडिट जो मैंने किया था, ये वाला है, ये आपका प्रीव्यू यहाँ से देख सकते हैं कैसा सॉन्ग है, यही है कि नहीं। यहाँ पे देखिए स्टार मेकर का लोगो जो है हट चुका है। अब क्रिएट टाइटल जो है आपका, ये सॉन्ग मेरा है, इसका नाम है बहुत प्यार करते हैं तुमको सनम, करते हैं तुमको सनम। ये दोस्तों स्पेलिंग कैसे क्या देना है ये मैं आगे आपको बताता हूँ, इसको एडिट कर सकते हैं, फिलहाल अभी इतना देते हैं। डिस्क्रिप्शन में क्या देना है, आपके सॉन्ग का जो टाइटल होता है दो चार वो लिख दीजिए, अपना नाम लिख लीजिए, ओरिजिनल सॉन्ग किसने गाया है उसको भी क्रेडिट आपको दे देना है यहाँ पे डिस्क्रिप्शन में, ठीक है। विजिबिलिटी में अभी आप अनलिस्टेड रखिए, बाद में आपको पब्लिक कर देना है जब अपलोड हो जाए तो, ठीक है। लोकेशन वगैरह सब ऐड, प्लेलिस्ट अभी कुछ नहीं करना है, सिंपली नेक्स्ट पे क्लिक कर देना है। यहाँ पे आपको ये पूछ रहा है, ये वीडियो जो है बच्चों के लिए है, इसको यहाँ पे नो पे ही क्लिक करिए आप। एज रिस्ट्रिक्शन में आपको हमेशा नो ही रखना है और अपलोड कर देना है सिंपली। तो इस तरह से आपका जो प्रोफाइल है, यहाँ पे देखिए योर वीडियो पे जाएंगे तो दोस्तों इस तरह से आपका ये सॉन्ग जो है यहाँ पे अपलोड होने लगेगा, ये देख रहे हैं ये अपलोड हो रहा है। यहाँ 3 डॉट पे आप जाएंगे, यहाँ से दोस्तों अभी तो डिलीट का ऑप्शन है, जैसे ही अपलोड हो जाएगा तो यहाँ पे जाके आप एडिट भी कर सकते हैं, नाम को, डिस्क्रिप्शन को, एडिट का ऑप्शन मिल जाएगा अपलोड होने के बाद, ठीक है। अब जब तक अपलोड हो रहा है मैं आपको समझा देता हूँ आपको टाइटल कैसे सेलेक्ट करना है। तो सिंपली यहाँ पे दोस्तों जाएंगे, जैसे ही हम सर्च करते हैं बहुत प्यार
तो दोस्तों देखिए, टॉप में जो आ रहा है टाइटल वही यहाँ से आपको ले लेना है और अपना टाइटल देना है। जैसे मैंने लिखा था करते हैं, HAI लिखा था, यहाँ है HAIN, तो आपको वही N यूज़ करना है जिससे आपका जो है वीडियो रैंक करेगा और सर्च में ज़्यादा आएगा। तो यहाँ पे जितने भी आप देख रहे हैं टॉप में 5 दिख रहा है, पांचों को पांचों तो आपके टाइटल में नहीं आएगा, टाइटल में 100 ही लेटर आते हैं, तो बाकी को आपको यहाँ से कॉपी करके डिस्क्रिप्शन में दे देना है। इस तरह से आप और टैग में भी इसको डाल सकते हैं। तो इस तरह से दोस्तों ये अच्छा तरीका है अपलोड करने का, और बाकी आगे के वीडियो में हम आपको बताएंगे कि कैसे आपको टैग कर अच्छे अच्छे टैग लेना है, रैंक करना है वीडियो को। और दोस्तों इसका थंबनेल जो होता है वो भी आपको अच्छे से देना है। थंबनेल यहाँ से आपको नहीं मिलेगा, थंबनेल के लिए आपको एक और एप्लीकेशन डाउनलोड करना पड़ेगा जो होता है YouTube स्टूडियो, आपको प्ले स्टोर पर मिल जाएगा। यहाँ पर आपको जाके एक थंबनेल बनाना है जिससे लोग देखते ही उस वीडियो को क्लिक करेगा। थंबनेल कैसे एडिट करना है ये भी आपको थोड़ा सा बता देता हूँ। तो मान लीजिए दोस्तों मेरा ये वीडियो था, ठीक है, यहाँ पे आपको सारे वीडियो मिल जाएंगे। तो इस तरह से वीडियो आपको यहाँ मिलेंगे और ये पेन वाले आइकन पे क्लिक करना है। फिर आपको पेन वाले पे क्लिक कर देना है। तो यहाँ पे दोस्तों देखेंगे आपको, तो दोस्तों इस तरह से आपका ये बाय डिफ़ॉल्ट आपको 3 जो है थंबनेल आपको मिलेगा, और कस्टम थंबनेल से ही आप यहाँ पे एक अलग से थंबनेल यहाँ पे लगा सकते हैं, जो कि आपका प्रोफाइल में जिस तरह का थंबनेल होगा यहाँ पे लगा सकते हैं, ठीक है। और ऊपर में आपको सिंपली डन पे क्लिक कर देना है। अब अच्छा थंबनेल कैसे बनाया जाता है जिससे लोग क्लिक करें, इस पर मैंने एक वीडियो बनाया है जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो चलिए दोस्तों, आपको ये वीडियो कैसा लगा ये हमें कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा, और वीडियो पसंद आए तो एक लाइक्स ज़रूर कर दीजिएगा। हम ऐसे ही वीडियो लेके आपको मिलते रहेंगे अगले वीडियो में।